मैं आदरणीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि जो मांगे सामने आई है आपने मराठी में समझ ली, मैंने देखा आपने लिखकर भी लिए है। विशेष रूप से ये जो इनकम टैक्स का जो मसला है, जीएसटी और इनकम टैक्स का, इसमें सेक्शन 194C ऑफ द इनकम टैक्स, इसकी छूट ये मिलती थी और अभी नया पोर्टल तैयार हुआ है और ये नए पोर्टल में ये जो अलग अलग छूट के कॉलम है उसमें शायद ये कॉलम छूट गया है। इसलिए अभी तक मुंबई जो है ये ऑनलाइन नहीं गया तो मुंबई को छूट मिल रही है, लेकिन बाकी जो ऑनलाइन चले गए उनको छूट नहीं मिल रही है। तो ये छोटा टेक्निकल ग्लिच है, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्वयं हमारे अर्थमंत्री जी से बातचीत करेंगे तो वो जो पोर्टल है उसमें सुधार होगा और ये जो 194C का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करते हुए निश्चित रूप से हमारे जो मंडल है उनका ये जो प्रश्न है उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सारे प्रॉब्लम्स नरेंद्र जी ने आपके सामने रखे है, मैं मानता हूं कि आज शायद सारे प्रॉब्लम्स का हल इस स्टेज पर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने पहले आपको भेजे नहीं थे, लेकिन आपसे निवेदन इतना जरूर करना चाहूंगा कि इन सारे प्रश्नों के ऊपर एक बैठक अगर आप दिल्ली या मुंबई जहां पर भी आप ठीक समझे सारे अधिकारियों के साथ लगाएंगे तो मेरा विश्वास है, क्योंकि मैंने आपके साथ बहुत करीब से कार्य किया है, प्रश्नों को समझ लेना और उसमें से मार्ग निकालना ये मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी स्पेशलिटी है और इसलिए इन सारे प्रश्नों से जल्द आप मार्ग निकाल पाएंगे ये विश्वास मुझे है।